हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सर्कुलर वाटर टैंक की कैपेसिटी के बारे में बताऊंगा। सर्कुलर वाटर टैंक की कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वीडियो मैं रविंद्र जी के कहने पर बना रहा हूँ। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझसे कमेंट में पूछा था, अगर कोई सिलेंड्रिकल टाइप जॉब है जिसका लेंथ 0.61 mm है और इनर डायमेंशन 0.39 mm है और SS किसी जिसकी थिकनेस 2 mm है, तो इस टैंक की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होगी और इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक को कवर करूंगा। जैसा हम सब जानते हैं कि अगर किसी सर्कुलर वाटर टैंक या फिर सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए हमको दो चीज चाहिए। तो मेन चीज हमको हाइट और डायमीटर चाहिए या फिर रेडियस, दोनों में से कोई भी एक मिल जाए। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि सर्कुलर वाटर टैंक का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक मतलब सर्कुलर वाटर टैंक का वॉल्यूम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है V=πr²h, वी फॉर वॉल्यूम। और ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो भी गिवन डाटा है, बस गिवन डाटा क्या क्या है, तो हमारे पास हाइट उन्होंने बताया था 0.61 mm और डायमेंशन बताया था, मतलब डायमीटर बताया था वो 0.39 mm बताया था। डाया है और हमारे पास फॉर्मूले में आर पूछा है, तो डायमीटर से हम आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, D²/2। तो D²/2 हमने किया तो हमारे पास रेडियस मिल गया, मतलब 4R हमारे पास मिल गया 0.195 mm। और जस्ट हम ये जो हमारी वैल्यू आई हाइट और आर, इसको हम जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करें। तो इस फॉर्मूले में हम पूरी वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने आर की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू थी हमारे पास 0.195, तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया और इंटू किया 0.610 से, जो कि हमारे पास क्या है, हाइट है, मतलब कि लेंथ। अब इसको कैलकुलेट करेंगे पाई की वैल्यू के साथ, पाई की वैल्यू है 3.14, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 0.072 m³। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करूँ कि इसमें वाटर कितना आएगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 100 liter/m³। तो जो हमारे पास ये वॉल्यूम आया, इस वॉल्यूम में हम वाटर की डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास जो इस वाटर टैंक की मतलब सिलेंडर की जो वॉल्यूम आया वो आया 72.8 liter। इस डायमेंशन का अगर हम एक वाटर टैंक बनाएंगे या फिर सिलेंडर बनाएंगे तो उसकी कैपेसिटी होगी वॉल्यूम में 0.072 m³। अगर हम वाटर में निकालेंगे तो वाटर आएगा 73 liter अप्रॉक्स। तो आई होप रविंद्र जी आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया हो। और इसी चीज़ को और आसान करने के लिए मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाइट डाली, डायमीटर डाला, तो मैं वॉल्यूम निकाला है कि इसका वॉल्यूम क्या है और वाटर कैपेसिटी कितनी है। तो यहाँ पर आप वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डाला जो हमारा वाटर टैंक है उसकी हाइट है 2 meter और डायमीटर मैंने लिया 1 meter, तो हमारे पास उसका आउटपुट क्या आएगा, 1.57 m³ आएगा, मतलब उसका वॉल्यूम आएगा। और उसमें वाटर कैपेसिटी आएगी 1570 liter, मतलब 1570 liter आएगा उसका वाटर कैपेसिटी। यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डालिए आप, यहाँ पर आप चाहे 3 डालिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, उस तरह हिसाब से ये पूरी कैलकुलेशन होती रहेगी ऑटोमेटिक। ये एक्सेल शीट कैसे बनाना है इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला था कि सर्कुलर वाटर टैंक का साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अपने मन के अकॉर्डिंग जितने भी लीटर का आपको वाटर का टैंक बनाना है, जैसे सपोज 50,000 liter का बनाना है, तो हमने 50 फुट किया। उसके बाद हमको एज्यूम करना है टैंक का रेडियस, रेडियस हमने एज्यूम कर लिया 2 meter। ठीक है, तो उस वाटर टैंक का लेंथ क्या होगा ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। हमने अगर 4 meter डायमीटर लिया वाटर टैंक का, तो इसकी लेंथ भी अप्रोक्स 4 meter आ जाएगी। अगर हम यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ 1000 करेंगे, तो उस हिसाब से पूरी उसकी साइज कैलकुलेट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमको 0.5 ले लिया हमने। तो इस तरह आप अपने वाटर टैंक का साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो दूसरा शीट है इसके थ्रू आप किसी भी सर्कुलर वाटर टैंक का अब वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वाटर कैपेसिटी निकाल सकते हैं। और ये दोनों एक्सेल शीट मैंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, ये मेरी वेबसाइट है, आप एक बार जरूर देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारे सिविल से रिलेटेड टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे एक्सेल शीट आपको मिल जाएंगे। तो ये सर्कुलर वाटर टैंक का अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए तो मेरे वेबसाइट पर जाइएगा। और यहाँ बेसिक में जाने के बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा एस्टीमेट के ऊपर। जैसे हम एस्टीमेट के ऊपर क्लिक करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट सर्कुलर वाटर टैंक साइज एंड कैपेसिटी पे क्लिक करना पड़ेगा। वहाँ से आप ये पूरा कैलकुलेशन देख सकते हैं कि उसकी साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं पूरा। आप एक उसका मैनुअल प्रोसेस क्या आप यहाँ से आप सीख सकते हैं। और आपको अगर वो एक्सेल शीट चाहिए तो यहाँ पर जो लिखा है, यू कैन डाउनलोड एक्सेल शीट फॉर कैलकुलेट सर्कुलर वाटर टैंक
तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सीट का एक आइकन आएगा, अभी इंटरनेट चल नहीं रहा इसलिए ऐसा आया। जैसे ही एक्स्ट्रा सीट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सीट सीधा डाउनलोड हो जाएगी, तब वहाँ से ये एक्स्ट्रा सीट डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं ये चीज़ कैसे बनी है, इसका फॉर्मूला भी देख सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको ये दोनों टाइप के एक्स्ट्रा सीट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।